बॉलीवुड के इन एक्टर्स के गुरुवार रहे हैं वो शो। एक ने तो आश्रम में रहकर टॉयलेट तक किए साफ। आचार्य रजनीश यानी ओशो को कोई धार्मिक गुरुवार मानता है तो कोई भगवान के रूप में पूजता है। ओशो एक ऐसे दार्शनिक हैं जिनके भक्त आज भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बचपन में ओशो का नाम चंद्रमोहन जैन था। जबलपुर में पढ़ाई पूरी करने के बाद जबलपुर यूनिवर्सिटी में बतौर लेक्चरर ज्वाइन किया। ओशो का निधन आज ही के दिन साल 1990 में पुणे में हुआ था। बॉलीवुड में ऐसी कई सेलिब्रिटीज रहे जो उनसे बेहद प्रभावित रहे। एक्टर इरफान इन दिनों अपनी गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए लंदन में हैं। उन्हें न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर है। इरफान ओशो के विचारों से काफी प्रभावित हैं। वो एक सर ओशो की किताबें पढ़ते हैं। इरफान ने पुणे स्थित ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशनल रिजॉर्ट में भी एक दिन बिताया था। इरफान ने अपना अनुभव शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि ओशो के रिजॉर्ट में जाना हमाम में नहाने जैसा है, जहां सारी गंदगी धुल जाती है। सुपरहिट एक्टर विनोद खन्ना की मां के निधन के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गए। इस दौरान उनकी मुलाकात ओशो से हुई। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि अचानक फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। संन्यास के वक्त विनोद शादीशुदा थे। उनके दो बेटे अक्षय और राहुल थे। संन्यास के फैसले के बाद उन्होंने पत्नी गीतांजलि से तलाक ले लिया और अमेरिका जाकर ओशो के आश्रम में रहने लगे। सुपरहिट एक्टर विनोद खन्ना की मां के निधन के बाद बहुत डिस्टर्ब हो गए। इस दौरान उनकी मुलाकात ओशो से हुई। वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि अचानक फिल्मी करियर से संन्यास ले लिया। संन्यास के वक्त विनोद शादीशुदा थे। उनके दो बेटे अक्षय और राहुल थे। संन्यास के फैसले के बाद उन्होंने पत्नी गीतांजलि से तलाक ले लिया और अमेरिका जाकर ओशो के आश्रम में रहने लगे।